क्या मैंने अपना उद्धार खो दिया है। पहले तो लगा था कि चलो परमेश्वर नरक से बचा लिया, लेकिन अब पाप होते जा रहा है तो क्या मेरा उद्धार खो गया है, क्या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, ऐसा इसका मन में कंफ्यूजन है। तो आपसे ये सवाल है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और फिर जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, पाप भी कभी कभी हो जा रहा है, तो क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं, हाँ या ना? आज का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आखिरी में मैंने बहुत जरूरी एक पॉइंट बताया है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूसा को परमेश्वर ने बोला, अगर तुझे पानी चाहिए इसराइलियों के लिए तो जाओ, वहां एक पत्थर है, चट्टान है, उससे जाकर के बातें करना और वो चट्टान में से पानी निकलेगा। मूसा गया और चट्टान से बात करने के बजाय वो चट्टान में झुंझलाते हुए लाठी मार दिया। और मूसा वो अगवा है जो लाखों इसराइलियों को मिस्र देश से निकालकर बाहर लेकर आया। और जब मूसा ने परमेश्वर का इस आज्ञा को पालन नहीं किया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश को प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो मूसा एक पहाड़ में गया और वहीं मूसा का मृत्यु हो गया। सवाल यह है कि तो क्या मूसा अपना उद्धार खो दिया? इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, वो सोच में पड़ गया है कि अब भी ना चाहते हुए भी मुझसे पाप हो जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या मैंने अपना उद्धार खो दिया है। पहले तो लगा था कि चलो परमेश्वर नरक से बचा लिया, लेकिन अब पाप होते जा रहा है तो क्या मेरा उद्धार खो गया है, क्या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, ऐसा इसका मन में कंफ्यूजन है। तो आपसे ये सवाल है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और फिर जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, पाप भी कभी कभी हो जा रहा है, तो क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं, हाँ या ना? कमेंट करके यस और नो आप बता सकते हैं। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक है उसका नाम है उद्धार का निश्चयता, या कह सकते हैं उद्धार का आश्वासन। ओके, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं एश्योरेंस ऑफ सेल्वेशन। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, जो उद्धार अभी जिसके बारे हमने सीखा है उसके बारे में तीन जरूरी सच को सीखेंगे, और ये उद्धार का आश्वासन का क्या मतलब है उसको सीखेंगे। फिर हम ये भी सीखेंगे कि आश्वासन का गलत आधार क्या है, मतलब किस आधार पे आप कह सकते हो कि आप नरक से बच गए, क्या सबूत है, गलत आधार और सही आधार दोनों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि पाप हो गया, चलो ठीक है पाप हो रहा है, पाप हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर हम आज का इस टॉपिक को समझ गए हैं और इस सच्चाई को समझ गए तो हमारे जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, इस बात को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो तैयार रहिए और ध्यान से नोट्स बनाते रहिए। आर यू एक्साइटेड? आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतर और जबरदस्त आज का ये टॉपिक है, आप ध्यान से इस क्लास में रहना, कोई भी कॉल वगैरह बीच में नहीं उठाना। सो तीन सच्चाई आपको जानना है, और वो तीन सच्चाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं, पहला जस्टिफिकेशन, दूसरा सैंक्टिफिकेशन और तीसरा ग्लोरिफिकेशन। ये क्या है तीन सच्चाई, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। सो जस्टिफिकेशन, हिंदी में हम इसे कहेंगे धर्मी ठहराया जाना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर कोर्ट का एक सीन देख रहे हैं, मुजरिम है, जज बैठे हैं और वकील जो है उस पर इल्जाम लगा रहा है कि तुमने फलाना फलाना जुर्म किया है। अब फाइनली जो वकील है जब लगा चुका सारा इल्जाम, तो वहां एक व्यक्ति आता है और उसका सारा जो भी कीमत है, मतलब जो सजा का मतलब जुर्माना जो भी है, वो सब जुर्माना दे देता है। एक व्यक्ति कहता है कि चलो इसका सारा जुर्माना हम दे दिए। तो जज अब उसके बाद फैसला सुनाता है कि इस मुजरिम को बाइज्जत बरी किया जाता है, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। धर्मी ठहराया जाना, राइचियस बनने का मतलब यही है, ठीक है। सो परमेश्वर ने हमें सारा गलती को माफ कर दिया, धर्मी ठहरा दिया है, इसका यही मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए ना, तो यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो हमको दिया गया है।
यीशु मसीह का निर्दोषपन या उसका जो राइचियसनेस है हम लोगों को दिया गया, हमें मिला है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इस लड़की का फोटो आप देख रहे हैं, हम इसे देख पा रहे हैं, ओके। क्या होगा अगर वो बुरखा पहन ले तो? अगर वो बुरखा पहनेगी तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, कोई नहीं दिखेगा कि अंदर में वो कौन लड़की है, हम पहचान नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और परमेश्वर पिता जब ऊपर से देखता है ना तो हमें पवित्र और निर्दोष देखता है, यीशु मसीह के समान देखता है, हमें कोई दोष परमेश्वर पिता को नहीं दिखता, यीशु मसीह के समान निर्दोष दिखता है। हमारा सारा पाप धो दिया गया है, माफ हो गया, यही है जस्टिफिकेशन का मतलब। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, बाइज्जत बरी किया है हमें। दूसरा जो सच्चाई है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंटिफिकेशन, पवित्रीकरण। सो ये पवित्रीकरण का मतलब क्या है? पवित्रीकरण का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अब धीरे धीरे हम पवित्र होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन का जीवन में मतलब अच्छा होते जा रहे हैं। इसे हम समझेंगे डिटेल में। इसका मतलब यह है कि पहले हम दुनियादारी में थे, अब वो दुनियादारी से हम अलग हो गए और परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। हालेलुया। हम यहां पर क्या देखते हैं कि अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम में रहता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे धीरे पवित्र किए जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं ना, पवित्र आत्मा हम में वास करना आरंभ करता है और धीरे धीरे बुराई से अच्छाई के रास्ते में हम बढ़ने लगते हैं। पता है पहले झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलते। पहले बुरे दोस्तों के साथ रहते थे, अब नहीं रहते। पहले घूस लेते थे, अब नहीं लेते, अब देते भी नहीं है घूस। पहले जैसे तैसे काम कर लेते थे ऑफिस का, पर अब हम ऐसा नहीं करते। अब हम अच्छाई के रास्ते में बढ़ रहे, ईमानदारी का जीवन जी रहे। अब हमारे जीवन में अनुशासन आने लगा। पहले वैसा कुछ मकसद नहीं था जीवन में कि परमेश्वर के लिए कुछ करें, लेकिन अब एक मकसद आ गया। पहले केवल पैसा पैसा और बड़ा सपना में ही हम लगे रहते थे, लेकिन अब जीवन जीने का एक मकसद आ गया है। हम जितना पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे उतना ही वो अधिकार हमें रखेगा और पवित्र करता जाएगा। इस सच्चाई को समझ लीजिए, पवित्रीकरण ये सच्चाई ऐसा है कि जितना हम अपने अंदर के पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे उतना अधिक वो अधिकार हम में रखेगा और उतना अधिक वो हमारे जीवन में काम करेगा। तीसरा जो सच्चाई है उसे समझिए, ग्लोरिफिकेशन, जिसका मतलब होता है भविष्य में हमें महिमित करेगा। ये महिमित करने का क्या मतलब है? आइए इस सच्चाई को हम यहां पर समझेंगे। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा एक राजा के रूप में, न्याय करने के रूप में, तब हम सब जो मर गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, वो जिंदा हो जाएंगे। हम जी उठेंगे, जाग उठेंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलेंगे। हमारा जो दीनहीन देह है, मतलब हमारा जो शरीर है ना, हड्डी मांस का, चाहे सड़ गया, गल गया, कुछ भी हो जाएगा ना, ये फिर से जिंदा होके ये शरीर एक ऐसा शरीर बन जाएगा जो महिमावान देह, मतलब अमर हो जाएगा, जो मरेगा नहीं। फिर दोबारा हमारा शरीर बदल जाएगा, हमें पवित्र देह दिया जाएगा जिसमें पाप का कोई प्रभाव नहीं होगा, जिसमें मृत्यु नहीं होगा। हमें आदर के साथ मुकुट दिया जाएगा। परमेश्वर यह मुकुट हमें और आपको देना चाहता है, लेकिन हमने जैसा उसके लिए काम किया उसके अनुसार हमें रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। हालेलुया। सो तीन सच्चाई क्या है? पहला सच्चाई है जस्टिफिकेशन। परमेश्वर ने उसी दिन, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मान लीजिए अगर आपने आज प्रभु को ग्रहण किया है तो आज ही का आज ही बोला है तुम निर्दोष हो, तुम्हारा सारा पाप क्षमा हो चुका है। दूसरा सच्चाई क्या है? सैंक्टिफिकेशन, मतलब पवित्रीकरण, मतलब वर्तमान का जीवन में दिन प्रतिदिन में जो पाप हो रहा है ना, आज का पाप को भी परमेश्वर ने माफ कर दिया। ग्लोरिफिकेशन, महिमित करेगा, मतलब फ्यूचर में अब परमेश्वर हमारा कल का जो पाप है ना, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए भी अपना जान क्रूस में दे चुका है, उसके लिए भी वो सब कुछ कर चुका है।
यीशु मसीह हमारा पाप से बचाने के लिए या पाप का सजा से बचाने के लिए एक ही बार जान दिया, और वो हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का पाप के लिए एक ही बार क्रूस में चढ़ गया है। यही सच्चाई है और इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तीन सच्चाई को याद रखिएगा। सो आज का जो टॉपिक है उद्धार का निश्चयता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? मतलब ये, अगर मैं इसको अपने भाषा में कहूं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। एक बात और जान लीजिए, यह मेरे अच्छाई की वजह से नहीं, यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा काम किया इसीलिए बचाया गया, पर इसके वजह से कि यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे लिए अपना सारा काम कर चुका, उसी के वजह से। उद्धार का निश्चयता का मतलब कि हमारा पाप क्षमा हो चुका है, उस बात का आश्वासन, हमें अनंत जीवन मिल गया है इस बात का आश्वासन। जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अनंत जीवन जिसे मिलता है वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब हमारा अनंत जीवन यहीं से शुरुआत होता है। और जब यीशु मसीह आएगा तो हमें महिमा मिलेगा, इस बात का आश्वासन। यही है उद्धार का निश्चयता का अर्थ। आपसे कुछ सवाल है, कैसे पता चलेगा कि आपने उद्धार पा लिया है? अब सबसे पहले हम लोग गलत आधार जानेंगे। चलो अगर मैं पूछूं कि आपका पाप क्षमा हो गया तो आप क्या जवाब देंगे, आप कमेंट में बता रहे। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है और वो गलत आधार बताते हैं। और बहुत सारा गलत आधार क्या क्या होता है? मसीह पर विश्वास किया, मुझे बीमारी की चंगाई मिल गई, इसीलिए मैं विश्वास करता हूं, इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरा पाप क्षमा हुआ है। दूसरा, कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, और होता क्या है कि उनका जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने प्रेयर किया परमेश्वर से और उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो उसको भी एक आधार बना लेते हैं कि हाँ मेरा पाप क्षमा हुआ है क्योंकि परमेश्वर मेरे को प्रॉब्लम से छुड़ाया है, ऐसा बोलते हैं। ये गलत आधार है, ठीक है? फिर आगे हम क्या देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दुष्टात्मा का चंगुल में था और पास्टर जी आए और मेरे लिए प्रार्थना की और उस दिन मैं गिर गया, तो मुझे लगता है कि मुझे उद्धार मिल गया है, मेरा पाप क्षमा हो गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है फलाने दिन में, और कुछ लोग बोलते हैं मैंने कन्फर्मेशन दृढ़ीकरण लिया है, तो ये भी गलत आधार है। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ओके? और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, एक लड़की को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना, वो बोलती है कि पास्टर जी जब मेरे हाथ मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे ना, तब मैं बहुत रो रही थी, मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, और प्रार्थना के बाद मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद मेरा पाप क्षमा हो गया है। ये सारा का सारा जो भी आधार या बेसिस जो हम बता रहे हैं उद्धार का आश्वासन, ये गलत है, ये सही नहीं। तो सही आधार क्या है जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हाँ हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? आइए जल्दी जल्दी देखेंगे। उद्धार का निश्चयता का जो सही आधार है वो ये है, सबसे पहला जो है वह है परमेश्वर का वचन, बाइबल, ठीक है? परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल। दूसरा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा हम में तब से रहता है। और तीसरा परिवर्तित जीवन, हमारा जीवन जो है बदल जाता है, हम आजाद हो जाते हैं, हमारा व्यवहार में भी बदलाव आता है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था इस बात को। सो आइए इन सब बातों को हम यहां समझने का कोशिश करेंगे। मैं यहां पर आपको केवल थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं। परमेश्वर का वचन बहुत सारा ऐसा वचन है जो हमें बताता है कि हमने उद्धार पाया है, हमने प्रभु को ग्रहण किया है, है ना? यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है, और रोमियो में भी लिखा हुआ है, कई जगह में लिखा है। जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, परमेश्वर उनको संतान होने का अधिकार देता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं ना, उनका अनंत जीवन यहां से शुरू होता है। परमेश्वर इस बात को बताता है अपने वचन के माध्यम से। और दूसरा बात, पवित्र आत्मा। जब हम पढ़ेंगे रोमी 8:16-17 वचन में ना, तो हम क्या पाते हैं, वहां पर लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, मतलब हमारे अंदर में जो हमारा आत्मा है और पवित्र आत्मा, दोनों मिलकर एक गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं।
इस बात को बताता है, गलातियों में भी और इफिसियों में भी इस बात को बताया गया है। और तीसरा जो है परिवर्तित जीवन। पहले दुनियादारी वाला जीवन अलग था, लेकिन अब जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारा जीवन बदलने लगता, हमारा व्यवहार बदलने लगता, हमारा सोच विचार बदलने लगता है। यहां पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन में, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। यहां पर एक बात लिखा है, ओल्ड हैज गोन न्यू हैज कम। दूसरा वर्जन में इंग्लिश में लिखा ओल्ड हैज पास अवे। पास अवे मतलब मर जाना, खत्म हो जाना। सो पुराना जो जॉन था वो खत्म हो गया यीशु मसीह के साथ क्रूस में। अब एक नया जॉन आ गया है यीशु मसीह के साथ, नया स्वभाव में अच्छा व्यक्ति। सो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारा जीवन को बदल देता है। सो ये तीन आधार सही आधार है, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और तीसरा है परिवर्तित जीवन। एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हो सकता है कि आप एकदम तुरंत अपना जीवन में बदलाव को नहीं महसूस कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रभु को नहीं ग्रहण किया। तब भी परमेश्वर का वचन आपको उद्धार का निश्चयता दे सकता है, पवित्र आत्मा आपको उद्धार का निश्चयता दे सकता है। ठीक है, परिवर्तित जीवन धीरे धीरे आता है जैसा जैसा हम अलाव करते परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए। आइए हम आगे देखेंगे। अब ये लड़का बैठे बैठे सोच रहा है, उदास है, उसका मन में एक सवाल है। मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन माइक ऑन कीजिए और जो स्क्रीन में ये लड़का सोच रहा है ना उस बात को आप पढ़िए, कोई एक जन माइक ऑन करके। जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है, मैं अब भी पाप करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू। ऐसा कई लोग सवाल पूछते हैं और अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा। मैं ये बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसके बारे में अगला क्लास में ज्यादा बताऊंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना तो होता क्या है, हमारे सामने दो तरह का स्वभाव आ जाता। एक पुराना स्वभाव, मान लीजिए ये ब्लैक वाला कुत्ता, पाप का स्वभाव। दूसरा नया स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। ओके, हमारा पुराना मनुष्यत्व नया मनुष्यत्व आ जाता है। सो क्या होता है कि हम लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें। दोनों को रखना हमारा मजबूरी है, हम उसको हटा भी नहीं सकते, बांध भी नहीं सकते, कैसे करेंगे कंट्रोल में। अभी ये सवाल पूछता है कि दोस्तों मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि ये बदमाश डॉग, मतलब काला वाला जो पुराना स्वभाव है उसको कंट्रोल में किया जा सके। इसके बारे में मैं अगला क्लास में बातचीत करूंगा, आप जरूर अगला क्लास में अटेंड करना। ठीक है, सो अब छोटा सा एक सवाल है कि क्या करें जब पाप हो जाए, क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात, हमें अपना जीवन को जांचना चाहिए कि हम कहां पर कमजोर है, मेरा वीकनेसेस क्या है, शैतान कौन सा मेरा कमजोरी को ज्यादा इस्तेमाल करके मुझे उसी पाप में उलझाए रखता है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए। और दूसरा, यीशु मसीह का क्रूस में जो बलिदान है ना उसको याद करना चाहिए, यीशु मसीह कैसे हमारे लिए क्रूस में अपना जान दिया है, इस बात को आप याद कीजिए। ओके, उसके बाद में क्या कीजिए, इस सच्चाई को आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आपको और आपका कमजोरियों को समझता है, क्योंकि वो खुद इन सब से होकर के गुजरा है लेकिन पाप नहीं किया। इब्रानियों का पत्री बताता है कि वह हमारे और आपके समान परखा तो गया लेकिन तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए हम और आप हमारा कमजोरी में जब पड़े रहते हैं ना उस समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें समझता है और वो हमें सहायता कर सकता है, वो हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। सो जब गलती हो जाए, पाप हो जाए ना, क्या कहना है, सॉरी। क्यों, एक बार तो पाप का क्षमा मांग लिए, बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, जब हमारा उसके साथ रिश्ता है तो हम उनसे सॉरी और थैंक यू जरूर बोलते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है। पहला यूहन्ना 1 उसका 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सो परमेश्वर का कुछ वचन को याद कीजिएगा, भजन संहिता 119 उसका 9 और 11 वचन क्या बताता है,
आपको पता है कि वचन के अनुसार सावधान रहने से। और आगे भजन संहिता 119 उसका 11 वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर का वचन को याद करते हैं? जो भी कमजोरी है ना हमारा, उन कमजोरियों के अनुसार कौन कौन सा वचन है वो सब लिख लीजिए, चिपका लीजिए यहाँ वहां, अपना मोबाइल में स्क्रीन में रख लीजिए, याद कीजिए। जब हम परमेश्वर के वचन से खुद को भरते हैं, याद करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रहने में सहायता करता है। और एक लास्ट बात, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27 वचन में पौलुस बोलता है कि मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं और अनुशासन में लाता हूं। सो हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए ना, तो पहले जैसा जिंदगी जीते थे अब नहीं, अब हम अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर में परमेश्वर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। सो उद्धार का निश्चयता अगर हमें मिल जाए तो क्या होगा, आइए इस बात को हम जानेंगे। सबसे पहला बात, ये जो पाप का गिल्टीनेशन हमारे हम में आता है, तुमने पाप किया है, तुम पापी हो, ये हमें बार बार परेशान नहीं करेगा। उद्धार का निश्चयता आने से हमारा आत्मिक उन्नति होगा, हम आत्मिक रूप से और अधिक बढ़ते जाएंगे। उद्धार का निश्चयता आएगा ना, तब हम विश्वास कर लेंगे कि हाँ हम बचाए गए हैं, और तब हम दूसरों को भी बचाने के लिए बोझ पाएंगे और बचाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को नहीं बताते, जिसका मतलब है आपके अंदर में उद्धार का निश्चयता नहीं है, अगर आपके अंदर का आत्मा बचाने का बोझ नहीं है, जो लोग नरक जा रहे हैं उनके लिए आप आंसू नहीं बहा पा रहे, या उनको आप तड़प नरक में जाते हुए देख रहे हैं लेकिन आपके अंदर बोझ नहीं है, तो इसका मतलब है आपका अंदर उद्धार का निश्चयता नहीं है। जब आप उद्धार का निश्चयता पाएंगे, सुसमाचार सुनाने का मन करेगा, ईश्वरीय विश्वास आएगा आपके अंदर में, आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनेंगे और बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अगर उद्धार का निश्चयता नहीं है तो आप चेला नहीं बन सकते। दूसरों को आत्मिक रूप से हम सहायता कर पाएंगे अगर हमारे अंदर उद्धार का निश्चयता होगा तो। ठीक है, आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मेरा जो संबंध है वो राज घराने के साथ है, मतलब परमेश्वर के साथ है, और तब हम वैसा ही जिंदगी जीने लगेंगे। आमीन। तो अगला जो टॉपिक है वो है कि बाइबल कैसे पढ़ें और बाइबल पढ़ने के बाद क्या करें, ये है अगला टॉपिक। बाइबल पढ़ने के बाद मनन कैसे करें उसको भी हम लोग देखेंगे।